हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्थ जनरेशन सीटी स्कैनर्स एंड फिफ्थ जनरेशन सीटी स्कैनर्स लेकिन दोस्तों अगर आपको याद होगा जब हमने थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर्स पढ़ा तो हमने उसमें देखा कि सबसे बड़ी लिमिटेशन या ड्रॉबैक क्या था थर्ड जनरेशन सी स्कैनर्स का दैट वॉज रिंग आर्टिफैक्ट्स उनमें रिंग आर्टिफैक्ट्स देखे गए ठीक है तो रिंग आर्टिफैक्ट्स आपको पता ही है कि वो कैसे आते हैं बाय द मिसकैलिब्रेशन और फेलियर ऑफ वन आर मोर डिटेक्टर्स तो रिंग आर्टिफैक्ट्स की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने एक और सीटी डिवाइस किया एक और जेनरेशन सीटी स्कैनर्स की इन्वेंट की उस जनरेशन को हम बोलते हैं फोर्थ जनरेशन सीटी स्कैनर्स सो द मैन पर्पस ऑफ फोर्थ जनरेशन सीटी स्कैनर्स वू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ रिंग आर्ट इफेक्ट दैट वाई फेसड इन थर्ड जनरेशन स्कैनर्स ठीक है हाँ तो अब अगर हम फोर्थ जेनरेशन स्कैनर्स की बात करेंगे फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैनर्स में रोटेट फिक्सड सिस्टम होता है इसका मतलब क्या होता है कि जो यहां पे एक्सरे ट्यूब होता है एक्सरे ट्यूब वाज रोटेटिंग अराउंड स्टेशनरी रिंग ऑफ डिटेक्टर्स यहां पे एक सिटेशनरी रिंग होती थी डिटेक्टर्स की सर्कुलर रिंग होती थी डिटेक्टर्स की बट दैट सर्कुलर रिंग ऑफ डिटेक्टर्स वाज स्टेशनरी फिक्सड और इसी सिटेशनरी रिंग के अराउंड जो हमारा एक्सरे ट्यूब होता था वो रोटेट करता था फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैनर्स कंसिस्ट ऑफ रोटेट फिक्सड सिस्टम ठीक है हाँ तो अब अगर हम फोर्थ जेनरेशन सिनर्स की बात करेंगे दे वायर है इनमें कितने डिटेक्टर्स थे मोर देन टू थाउजेंड डिटेक्टर्स तो डिफरेंट बुक्स पे आप अलग अलग काउंट देख सकते हो डिटेक्टर्स का लेकिन मैं क्रिस्टनसन को कंसल्ट करता हूं तो क्रिस्टनसन पे मोर देन टू थाउजेंड डिटेक्टर्स दिए हैं ठीक है हाँ तो अब बहुत ज्यादा डिटेक्टर्स यहां पे यूज हुए थे ठीक है सो so, आपको पता ही है कि जितने ज्यादा डिटेक्टर्स यूज होते हैं उतनी ज्यादा रेजोल्यूशन बढ़ जाती है सो दे वर हैविंग द बेस्ट रेजोल्यूशन ठीक है हाँ और जो एक्सरे ट्यूब होता है इट रोटेटेड कंटिन्यूसली ये रोटेट कंटिन्यूसली होता था सो so, वेरी फास्ट स्कैन टाइम इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैनर्स ठीक है हाँ अब जो हमारे फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैनर्स थे जियोमेट्री एक्सरेज की यूज होती थी फैन बीम जियोमैट्री ऑफ एक्सरेज वॉज यूज हियर यहां पर मैंने ब्लॉग डायग्राम में बनाया है आप देख सकते हो ठीक है हा दिस इज द फैन बीम जियोमेट्री विच वॉज यूज इन फोर्थ जनरेशन सीटी स्कैनर्स हाँ तो अब जो फोर्थ जनरेशन सीटी स्कैनर्स डिवाइस किए गए थे दे वर द एबिलिटी टू अकोमोडेट वेरिएबल स्लाइस थिकनेस इनको एबिलिटी थी वेरिएबल स्लाइस थिकनेस अकोमोडेट करने की मतलब क्या है कि जो स्लाइस थिकनेस होती थी इनमें वो हम इजीली वेरी कर सकते थे कैसे इनमें क्या होता था इनमें एक ऑटोमेटिक प्री पेशेंट कॉलिमेशन होती थी उस प्री पेशेंट कॉलिमेशन की वजह से हम इनमें स्लाइस थिकनेस को वेरी कर सकते थे ठीक है सो हाँ। so, दोस्तों आप यहां पे, आ, ये ब्लॉक डायग्राम देखो ये फोर्थ जेनरेशन सिटी स्कैनर मैंने यहां पे बनाया है इसमें क्या होता है एक्सरे ट्यूब होता है जो कि रोटेट करता है किसके अराउंड ये यहां पे मैंने बनाई है सर्कुलर डिटेक्टर एरे या स्टेशनरी रिंग ऑफ डिटेक्टर्स तो ये जो एक्सरे ट्यूब होता है ये रोटेट करता है इसके अराउंड आई होप गाइज कि फोर्थ जनरेशन सीटी स्कैनर्स आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा नाउ लेट्स डिस्कस द फिफ्थ जनरेशन सीटी स्कैनर तो अगर हम फिफ्थ जनरेशन सीटी स्कैनर्स की बात करेंगे बेसिकली जो हमारा ई होता है इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी होती है इट इज कंसिडर्ड टू बी द फिफ्थ जनरेशन स्कैनर, इसी को कंसिडर किया जाता है कि ये फिफ्थ जनरेशन सीटी स्कैनर है कौन ईबीसीटी इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी ठीक है हाँ तो जो हमारा ईबीसीटी होता है इट कैन एक्वायर डेटा इन मिली डेटा को एक्वायर कर सकता है मिली में तो इस लिए जो हमारा ईबीसीटी होता है इट इज समाइम ऑल्सो कॉल्ड एज फास्ट सिटी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फास्ट सिटी ठीक है तो चलिए गाइज अब हम एबीसीटी uh, का प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन देखेगे ठीक है देखिए तो मैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा लेकिन आप पहले इस ब्लॉक डायग्राम पे देखो कि कौन-कौन सा पार्ट कहां-कहां पे है देखिए ये इस ईबीसीटी का इलेक्ट्रॉन गन होता है ठीक है और ये जो कॉइल्स होती हैं दीज आर ईएम कॉइल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स ठीक है, है? हां तो ये जो यहां पे मैंने चार रिंग्स बनाई हैं सेमी सर्कुलर रिंग्स दीज आर फोर स्टेशनरी टारगेट रिंग्स ठीक है तो ये क्या है ये पेशेंट टेबल है जिसको आप काउच बोलते हो इट इज आल्सो स्टेशनरी हियर एंड दिस इज दैट डिटेक्टर रिंग ये ऊपर वाली जो रिंग है सेमी सर्कुलर रिंग है ये डिटेक्टर रिंग है और सबसे लास्ट में इसके ऊपर क्या किया जाता है डाटा एक्विजिशन सिस्टम फिक्स किया जाता है ठीक है हां तो यहाँ पे टेबल के नीचे कॉलिमेटर्स भी लगे होते हैं ठीक है तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करेंगे जो हमारा ईबीसीटी होता है इसका प्रिंसिपल क्या होता है देखिए जो इलेक्ट्रॉन गन होता है इसका काम यह होता है कि यह इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है अब इसने जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वाइलस क्या करते हैं एक्सेलेट करते हैं फोकस करते हैं और डिफ्लेक्ट करते हैं कहां पे टारगेट्स पे तो जब वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम टारगेट पे हिट करता है तो यहां पे क्या होता है यहां पे फैन बीम ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस होता है यहां पे फैन बीम ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस होता है तो जो फैन बीम ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस होता है यहां पे वो फाइनली पेशेंट पे पड़ जाता है जो कि काउच पे होता है तो पेशेंट से लीनियर एटेनेशन ऑप्शन एक्सपोज होते हैं और फाइनली वो जो इंफॉर्मेशन है वो कहां पे जाती है डिटेक्टर रिंग में ठीक है डिटेक्टर रिंग में। तो जो डिटेक्टर रिंग में इंफॉर्मेशन होती है फाइनली इट इज ट्रांसफर्ड टू तो डाटा एक्विजिशन सिस्टम एंड फ्रॉम डेटा एक्विजिशन सिस्टम वो कंप्यूटर सिस्टम में जाता है फॉर फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन उस उसको कंप्यूटर सिस्टम एक रिकॉन्स्ट्रक्शन प्रोसेस लगाता है दैट वी कॉल्ड एज फिल्टर बैक प्रोजेक्शन ठीक है दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ईबीसीटी इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी नाउ वी विल डिस्कस इट इस कंस्ट्रक्शन वन बाय वन तो सबसे पहला जो यहां पे पार्ट uh, है इसका वो है इलेक्ट्रॉन गन वो है इलेक्ट्रॉन गन ठीक है तो जो इलेक्ट्रॉन गन होता है इट इज लोकेटेड एट वन एंड ऑफ दिस ईबीसीटी स्कैनर जो ईबीसीटी स्कैनर होता है इलेक्ट्रॉन गन इसके वन एंड पे प्रेजेंट होता है ठीक है हाँ इसका फंक्शन क्या होता है इलेक्ट्रॉन गन का इसकी फंक्शन ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करता है जिसकी एनर्जी कितनी होती है 130 किलो इलेक्ट्रॉन वोट ठीक है हाँ तो ये एक हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करता है कौन इलेक्ट्रॉन गन ठीक है हाँ इसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है इसमें दैट इज ई एम क्वाइल एम क्वाइलस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वाइलस का काम क्या होता है कि अब जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम आई इसको एक्सेलरेट करना इसको फोकस करना और इसको फिर डिफ्लेक्ट करना टारगेट रिंग्स पे तो ये आ, किसका काम होता है इट इज क्वाइलस। ठीक है हाँ। तो ये इन इलेक्ट्रॉन electron, इलेक्ट्रॉन्स को या इस इलेक्ट्रॉन बीम को एक पर्टिकुलर एंगल पे डिफ्लेक्ट करता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन चार टारगेट रिंग्स में से एक टारगेट रिंग को स्ट्राइक करे या कभी कभार चारो टंगस्टन टारगेट्स यूज होते हैं ठीक है हां इसके बाद जो हमारा पार्ट होता है यहां पे दैट इज फोर टंगस्टन टारगेट रिंग्स फोर टंगस्टन टारगेट रिंग्स हां तो जो टारगेट रिंग्स होते हैं यहां पे दीज टारगेट रिंग्स आर मेड ऑफ टंगस्टन एंड दे आर फोर इन नंबर ये कितनी होती हैं चार होती हैं और स्टैशनरी भी होती है क्या होती है स्टैशनरी भी होती है जब ई एम कॉयलेज ने इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम को डिफ्लेक्ट किया तो वो इन रिंग से स्टीर होके एक या एक से ज्यादा टंगस्टन टारगेट पे स्ट्राइक होती है और वहां पे फैन बीम ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस होती है ठीक है वहां पे फैन बीम ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस होती है अब क्या होता है यहां पे अगर एक टारगेट रिंग यूज होगी तो दो स्लाइसिस मिलते हैं हमें अगर चारो यूज हो गए तो कितने स्लाइसिस मिलेंगे आठ स्लाइसिस मिलेंगे वो भी एक पर्टिकुलर स्वेस में ठीक है र द फोर टंगस्टेंट टारगेट रिंग्स इसके बाद क्या होता है इसके बाद होता है स्टेशनरी काउच और पेशेंट टेबल स्टेशनरी काउच और पेशेंट टेबल तो हमारे पास यहां पे एक पेशेंट टेबल भी होता है लेकिन वो फिक्सड होता है स्टेशनरी होता है ठीक है हाँ, तो इस जिस पे हम पेशेंट को सुलाते हैं फॉर एग्जामिनेशन ठीक है हाँ और यहां पे इसके नीचे कॉलीमेटर्स भी लगे होते हैं क्या लगे होते हैं कॉलीमेटर्स भी कॉलीमेटर्स भी लगे होते हैं क्योंकि जो फैन बीम जियोमेट्री ऑफ एक्सरेज यहां से निकलते हैं उनको एक पर्टिकुलर शेप देना ठीक है तो ये इन कॉलीमेटर्स का काम रहता है ठीक है फाइनली इसमें क्या होता है फाइनली इसमें डिटेक्टर्स और डाटा एक्विजिशन सिस्टम होता है तो जो यहां से अब ट्रांसमिटेड रेडिएशन निकली पेशेंट से तो वो जिसमें इंफॉर्मेशन है लीनियर की सीटी नंबर्स की तो वो कहां पे पड़ते हैं डिटेक्टर्स पे तो डिटेक्टर्स उनको डिटेक्ट करके क्या करते हैं डाटा एक्विजिशन सिस्टम को सेंड करते हैं तो फाइनली डाटा एक्विजिशन सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को भेजता है ये इंफॉर्मेशन फॉर इमेज कंस्ट्रक्शन वो मैंने बोला कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या करता है वो और बैक प्रोजेक्शन करता है इस डेटा की और हमें रिकॉन्स्ट्रक्टेड डेटा मिलता है ठीक है दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी नाउ वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ ईबीसीटी इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी एप्लीकेशन ऑफ बीसी सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है ई कि इट इज यूज टू प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ मूविंग ऑर्गन ठीक है फॉर एग्जांपल हार्ट दैट आर फ्री ऑफ मोशन आर्ट इफेक्ट यह क्या करता है यह किस में यूज होता है हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोड्यूस करने में वो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस किन बॉडी पार्ट्स की मूविंग ऑर्गन की जो कि मूव करते रहते हैं ठीक है मूविंग ऑर्गन्स की जिनसे मोशन आर्टिफैक्ट्स आते हैं ठीक है हाँ तो उन मूविंग ऑर्गन्स की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोड्यूस करना और जो वो इमेजेस फ्री ऑफ मोशन आर्टिफैक्ट्स होते हैं दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ई बी सी टी नाउ द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी इज दैट ड्यू टू इट्स वेरी सुपीरियर स्पीड ड्यू टू इट्स वेरी हाई स्पीड इट इज यूज टू प्रिवेंट ब्लरिंग ऑफ मूविंग स्ट्रक्चर्स जूरिंग द एक्विजिशन ऑफ डेटा तो कुछ स्ट्रक्चर्स जूरिंग द एग्जामिनेशन ज्यूरिंग द एक्विजिशन मूव करते रहते हैं जैसे कि हार्ट तो उससे क्या होता है कि हमारी इमेज ब्लर्ड आ सकती है तो उस ब्लरिंग को प्रिवेंट करना यह भी एक फंक्शन होता है किसका एबीसीटी का ठीक है हाँ तो जो एबीसीटी है इट इज यूज इन उन ऑर्गेनिज्म में जहां पे प्रिवेंट करना होता है हमें ब्लैरिंग ब्लैरिंग तो हम सीधे बोल सकते हैं कि ये ज्यादातर इसकी हाई स्पीड होती है मूविंग ऑर्गेनिज्म में यूज होती है तो वी कैन से दैट इट हैज द एप्लीकेशन इन कार्डियक इमेजिंग कार्डियक इमेजिंग के लिए एक बेहतरीन सी इमेजिंग मॉडिलिटी रहती है ठीक है गाइस आई होप कि आज का जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आया होगा किसी को कोई डाउट होगा कोई क्वायरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना